वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो गाइज, मैं ना इंट्रो शूट कर रही हूँ अभी अपनी वीडियो का। जो आपने मेरा अभी आगे मेरा व्लॉग देखोगे उसका इंट्रो मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि मैंने ना ऐसे रैंडमली वीडियो शूट कर ली मार्केट की, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग में व्लॉग बना के डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रखा था। और ईद की रौनक देख के ना मेरा मन कर गया कि चलो व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि यार गाइज मैं ना अब एंड टाइम पे शॉपिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं प्रॉपर आपको व्लॉग बना के मार्केट्स का दिखा सकूँ कि मार्केट में क्या कलेक्शन है क्या नहीं, ठीक है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यार मार्केट में। अब मैं खुद की शॉपिंग में मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अभी खुद से जाके इतनी अच्छे से शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह भी होती हैं। तो इस वजह से मैं अभी इंट्रो शूट कर रही हूँ, तो मैं मार्केट गई थी, तो मैं सोचा चलो एक व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि द मोस्ट फेमस सबका फेवरेट जामा मस्जिद सबको ही पसंद है देखना। अब वहाँ की और वहाँ की रौनक तो सबको ही देखना पसंद है, तो वहाँ पे इतना गाइस रौनक तो छोड़ो, वहाँ रौनक नहीं, वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। खैर मैंने तो जहाँ पे मेनली लेडीज़ कलेक्शन होता है मैं वहीं जाती हूँ सीधा डायरेक्ट, जहाँ पे सूट्स वगैरह मिलते हैं, तो मैं वहीं से जाके शॉपिंग करके आ जाती हूँ। मैं ज़्यादा आगे जामा मस्जिद खाने पीने नहीं जाती, क्योंकि नॉर्मली खाते पीते ही रहते हैं। तो मैं गई थी इफ्तार के बाद, आज रोज़ा इफ्तार करने के बाद ही हम लोग मार्केट के लिए निकले थे, क्योंकि मुझे अपना ईद का आउटफिट लाना था ऐसा, तो मुझे ज़्यादा शॉपिंग करनी ही नहीं थी, तो इस वजह से फिर बस हम सीधा इफ्तार के बाद गए थे मार्केट। उसके बाद लेकिन आपके व्लॉग के लिए मैं एंड तक गई हूँ, और मैंने जितना भी मुझसे हुआ बहुत बहुत भीड़ थी यार, मतलब ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी। और ना ऊपर से फिर ये भी डर रहता है कि फ़ोन चोरी ना हो जाए, पर्स में से कुछ ना निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा चोर घूम रहे थे ना गाइस। आज ही मेरे सामने पुलिस वालों ने गाइस हम लोग एंट्री कर चुके थे मार्केट में, और ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं पीछे गोलचा वाली साइड से, क्योंकि जो मेनली लेडीज़ कलेक्शन मिलता है ना वो सारा इसी जगह मिलता है। क्योंकि और अगर आप जामा मस्जिद की तरफ से करोगे ना एंट्री, तो वहाँ खाने पीने का सामान होता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको ये सारी एक्सेसरीज़ वगैरह मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं। और यहाँ पे थी ये पाकिस्तानी सूट की शॉप, जो कि माशाल्लाह से सच में गाइस बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं, इनके पास बहुत ना ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं सच में। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल यहाँ पर पाकिस्तानी सूट्स थे, और गाइस रमज़ान का टाइम था तो भीड़ तो बहुत ही थी। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल सूट्स थे, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं, और पाकिस्तानी सूट कॉस्टली ही आते हैं गाइज़, आप कहीं भी देख लेना। और ये देखिए आप मार्केट में भीड़, जो मैं मेन मार्केट में आई हूँ, तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ ही शुरू हो गई थी, और आगे चितली कबर की साइड जाएंगे तो बहुत भीड़। और यहाँ पर ना आपको ऐसे थड़ियाँ भी मिल जाएंगी, जहाँ पर 650, ये देखिए 750 के काफ़ी अच्छे सूट्स मिल जाते हैं, जो हल्की वैरायटी में पहनना चाहता है वो यहाँ से ले सकता है। देखिए कितने ब्यूटीफुल सूट्स थे, और यहाँ मुझे एक शॉप दिखी, वहाँ पे आपको काफ़ी शॉप मिल जाएंगी मेकअप की, जहाँ पे बहुत वैरायटी में मेकअप वगैरह भी मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे मिल रहे थे 100-100 रुपये के दुपट्टे कॉटन के। और यहाँ पे देखिए चांदनी वगैरह मिल रही थी, कालीने मिल रही थी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में, और सूट्स की तो भरमार थी। और ये मिल रहे थे सेल में 100-100 रुपये, 200-200 रुपये। मुझे ये ब्लैक कलर का कुर्ती टाइप पसंद आया था, ये था 350 का। और यहाँ पे फिर हमने खाई थी ये दही फुल्की, बहुत टेस्टी होती हैं गाइज, मैं जब भी जाती हूँ ज़रूर खाती हूँ। तो ये था वहाँ का फुटवेयर कलेक्शन वगैरह, ये वहाँ पे अनसे सूट्स वगैरह मिल रहे थे, और ये किस किस ने खाया है इमली वगैरह, बहुत टेस्टी लगती हैं गाइज ये। तो मैं थोड़ा मेन मार्केट में आ गई थी, जहाँ पे थोड़ा कॉटन में, ये देखें यहाँ पे सारा कॉटन मटेरियल वगैरह, नायरा कट्स के पूरे कलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके अपोजिट साइड भी ये देखिए सारे पार्टी वेयर। उसके बाद जैसे ही आप आगे चलते रहेंगे, यहाँ पे एक कुर्ते पजामे की, जहाँ पे लड़कों का कुर्ता पजामा वगैरह मिलता है उसका कपड़ा, और यहाँ मिल रहे थे ये क्रॉकरी वगैरह की शॉप थी, जो डेकोरेशन हम लोग करते हैं घर में। देखिए कितने ब्यूटीफुल यहाँ पे ये आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह मिल रहे थे, और ये हमारी सब लड़कियों की फेवरेट बैंगल्स की शॉप। फिर थोड़ा आगे चल के आपको मतलब यही मोस्टली कुर्ता पजामे की शॉप्स, और ये सूट्स वगैरह पाकिस्तानी सूट की शॉप थी, इस पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, मैंने चेक किया था। और ये देखिए यहाँ पे भी एक्सेसरीज़ की शॉप्स वगैरह, बहुत क्यूट सामान मिलता है। और ये लड़का जो इतना बन रहा था ना, बाद में मेरे को बोलता मैम प्लीज़ आके मेरी वीडियो बना लो दोबारा। और ये मिल रहे थे 250-250 रुपये के सूट, ये देखिए गाइस। और उसके साइड में यहाँ पर कॉटन के सूट्स मिल रहे थे नायरा कट में, तो आपको हर प्राइजेज में रीज़नेबल प्राइस से लेके एक्सपेंसिव हर तरह की चीज़ का कलेक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा जामा मस्जिद में, ठीक है। तो
जो उसका जैसा बजट हो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है, बजट फ्रेंडली मार्केट है, आपको सब मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे थी एक फुटवेयर की शॉप, ये देखिए गाइस, उसके साइड में थी ये पाकिस्तानी सूट्स की शॉप, और यहाँ मिल रहे थे ये स्कार्फ, हिजाब वगैरह, और ये पूरी बुरखा लेना है, यहाँ पे सारे बुरखा वगैरह मिलते हैं, और ये बेड शीट्स वगैरह मिल रही थी रमज़ान के लिए, बहुत प्यारी प्यारी। एंड यस गाइस, यहाँ से फिर हम मेन, ये जो आपको बैरिकेड दिख रहा है, यहाँ से हम मेन एंटर हो गए थे चितली कबर में। यहाँ शुरू हो जाता है सारा खाने पीने का सामान, तो यहाँ पे भी मिलता है सामान, ऐसा नहीं है, फुटवेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मेनली अब जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये देखिए आप भीड़ देख के समझ रहे होंगे दूर तक, ये अब सीधा जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल जाम मस्जिद की तरफ जाएगा, जो जाम मस्जिद का मेन गेट है उधर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे कितने लजीज ग्रीन कलर के कबाब्स वगैरह मिल रहे थे, तो ये तो मतलब है ही अपना फूड स्ट्रीट पूरा, मतलब रात के 2 बज रहे थे गाइस, और ये 2 बजे भी देखो कितना ज़्यादा हलचल मची हुई थी। और ये देखिए वुडन के यहाँ पे हैंगिंग वगैरह मिल रही थी, और ये बेकरी वाले भैया के तो केक्स ही ख़त्म हो गए थे जिनसे मैं लेती हूँ, ये देखिए। और ये बेस्ट परफ्यूम शॉप है गाइस, और ये आ गए थे हम लोग असलम चिकन पर, और फिर हमने खाया था असलम चिकन पर बटर चिकन, पर यार वो क्लिप में से डिलीट हो गई, आई डोंट नो कैसे, पर कोई बात नहीं, अब तो इनका दूसरा आउटलेट भी खुल गया है इनके अपोजिट साइड ही, वहीं पे हम गए। यहाँ मिल रहे थे कबाब वगैरह, और ये आ जाती है अपनी मेरठ वालों की शीरमाल, शाही शीरमाल रोटी, जो कि बहुत टेस्टी होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मिल रही थी सिवई वगैरह, इमरती, खजली, फैना, ये सब मतलब खाने की चीज़ें ही मिल रही थी सारी। उसके बाद आ गए थे हम लोग असलम बटर चिकन पे, और गाइस हमें इतना वेट करना पड़ा था ना, मैं क्या बताऊँ, मैं सोचा चलो इतने में एक शॉर्ट ही ले लेती हूँ आगे जाके। तो देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म चिकन कबाब टिक्के जो भी कहते हैं वो सिख रहे थे। उसके बाद आ गए थे हम लोग अपने फेवरेट शाही टुकड़ा पर, और हमने यहाँ पे खाई थी रबड़ी एंड शाही टुकड़ा, जो कि बहुत टेस्टी था गाइस, होता ही है या तो सब ने ट्राई करा होगा, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो ये देखिए अब ये हम आ गए थे, देखो अल जवाहर के अपोजिट साइड में एक ही छोटू सा बच्चा था जो इतने ब्यूटीफुल बैंगल्स छोटे बच्चों के सेल कर रहा था, और फिर हमने पी थी यहाँ पे ठंडी ठंडी लस्सी जो कि बहुत यम थी, एकदम थिक, और ये देखिए मेरी मम्मा को। और फिर बस ये देखिए हम लोग यहाँ से हो गए थे एग्ज़िट फाइनली, इतनी भीड़ भड़के से निकल के हम फाइनली आ गए थे बाहर। ये देखिए हमारा जामा मस्जिद पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और मैं आपको अभी पूरा क्राउड दिखाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी, और ये थी हमारी मार्केट। उसके बाद हमें खाना था मोस्ट फेवरेट हलीम बिरयानी, उसके बिना तो मुझे जामा मस्जिद जाओ और वो अधूरा ही लगता है अगर मैं बिना खाए आ गई तो। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे जामा मस्जिद, सॉरी हलीम बिरयानी खाने आगे, हमने खाई थी हलीम बिरयानी जाकर। और यहाँ देखिए मेरी एक्साइटमेंट का लेवल शॉपिंग करने के बाद, शॉपिंग तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में ही कर ली थी क्योंकि वहीं मेरी एक दो सिलेक्टेड शॉप्स हैं, मैं जहाँ से शॉपिंग करती हूँ बस मैंने वहीं से शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पूरी मार्केट की वीडियो बनाई है। आप लोग भी कभी भी जाना तो ये हलीम बिरयानी ज़रूर ट्राई करना, ये मैं सोचना कि ये स्ट्रीट पर है तो टेस्टी नहीं होगी, ट्रस्ट मी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे देखिए गाइस कैमल राइड हो रही थी। एंड यस गाइस, फिर आ गए थे हम लोग घर पर, और गाइस मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, और नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी ना तो अच्छे से डिटेलिंग में पूरा वीडियो बना के लाऊँगी मार्केट का। तो आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये मेरी कुछ शॉपिंग थी, इसमें थे मेरे आउटफिट तीनों दिनों के, तो मैंने यहाँ इस शोरूम से लिया था अपना ईद का आउटफिट, तो आप लोग देख सकते हैं। गाइस जो भी मुझे बोलेगा ना कि आप दिखाओ क्या शॉपिंग करी है, तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ईद पर ही दिखाऊंगी मैं जो भी पहनूंगी, जो भी मैं लाई हूँ वो सब तो मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी, पहले ही दिखा दूंगी तो सस्पेंस क्या रहेगा, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। तो जस्ट वेट फॉर द ईद,
ईद पे इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। और मुझे जिसने फॉलो नहीं किया है ना वो मुझे फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है arshi_ali621, ठीक है, जाओ उसको, उस पर आपको मेरी सारी अपडेट मिलती रहेगी, सारी रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो फटाफट से जाओ और मुझे फॉलो करो। सो यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।